वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स। मुझे इसका फुल फॉर्म पता नहीं था वैसे, पता था तुम्हें। आई गेस ये इस चैनल पे पहला Q&A है, फर्स्ट नहीं, हमने कभी नहीं किया। किया था यार, वो तेरे पे किया था शायद, तो मेरे पे किया था। इस चैनल का ये पहला Q&A है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं हूँ पल्लवी एंड ये है अरुण। नमस्ते। एंड आप अभी पहले वीडियो को लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी क्लिक कर दो, बिकॉज आजकल व्यूज बड़े कम आ रहे हैं यार। भर भर के व्यूज दो, प्यार चाहिए हमको आप लोगों का। क्या कर रहे हो आप? So guys, आज के Q&A वीडियो में एक और बात, हमारा नया चैनल है जो शॉर्ट्स चैनल है, उसपे हम मिनी ब्लॉग्स बनाते हैं। बहुत जबरदस्त ब्लॉग्स आ रहे हैं गाइज, हमने उसपे 365 डेज का चैलेंज लिया, उसमें से 41-42 हमारे हो भी गए हैं ब्लॉग्स, और आप लोगों ने अभी तक देखे भी नहीं है। Right, so guys, आज का Q&A वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। काफी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, अभी मजा आएगा ना वीडियो। क्वेश्चन मैं पूछूंगी, तुम आंसर दे देना, ठीक है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है फैक्ट्स वर्ल्ड डाटा। हेलो अर्पित, फर्स्ट यूट्यूब वीडियो कब बनाई थी और यूट्यूब का आइडिया कैसे आया था? भाई जी, इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, बट मैं फोन पहले साइड कर देता हूँ, तो शॉर्ट में विस्तार में बताने वाला हूँ। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो बनाई थी फेसबुक चैनल पे 2015 में बनाई थी। उस टाइम पे वाइंस करके शुरू हुआ था और तब हमने स्टार्ट किया था अपना फेसबुक से, एंड उसके बाद फिर 15-16 के बाद अच्छा रिस्पॉन्स आया, फेसबुक अच्छा चला, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर उसके बाद यूट्यूब शुरू हो गया, YouTube में चलाता नहीं था, तो फिर 2018 में जाके मेरे जो Facebook के जो पहले वीडियोस आती थी वो मैंने 2018 में जाके YouTube पे डाली। अब मैं बताती हूँ। Okay. इसने नहीं बनाई उसके लिए YouTube के लिए वीडियो, मैंने इसके Facebook पेज से डाउनलोड की एंड YouTube पे अपलोड कर। एग्जैक्टली ट्रू। तो ये सच है जो मेरा YouTube की कहानी बनाई, मैं भी इसको याद भी नहीं होगा, मेरा YouTube चैनल बनाया इसी ने था, मैंने नहीं बनाया था एंड मैं यूज ही नहीं करता था, और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया और अभी भी छोड़ दिया। पिछले 6-7-8 महीने से इसने YouTube छोड़ Next दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जब वर्किंग टाइम से फ्री होता हूँ तो आपका ही वीडियो, नाम तो बताओ, वीडियो चलता ही। आई एम फ्रॉम ओडिशा, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। अब ये क्वेश्चन किसने पूछा, नाम भी बता दूं, नाम है सुदीप मंडल 2045। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियोस देखते हो फ्री टाइम में, मींस अ लॉट। लव यू भाई, लव यू, वी लव यू ऑल। ओके, कोरियन लव। ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बाद में लूं क्योंकि काफी लंबा होने वाला है ये, ठीक है? यूजर, अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, इनकी जो आईडी है वो ये है, यूजर IC4WVAJB4Z। भाई आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हो? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स जो है उन पे काम करता हूँ साइड बाय साइड। इतने चुटकू में बता दिया अपना काम। हाँ बस, काफी इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मितुराज शर्मा, मितुराज शर्मा 8428, फेवरेट मूवी एंड फूड। फेवरेट मूवी ऐसा नहीं है कोई, क्योंकि हर साल कोई ना कोई अच्छी आती रहती है, तो मतलब स्पेसिफिकली कोई एक नहीं है। KGF मुझे अच्छी लगी थी, बॉलीवुड मूवीज की बात करूँ तो KGF अच्छी लगी थी मुझे, सलार थी वो भी अच्छी लगी थी, और 3 Idiots बहुत अच्छी है, एंड मेरे को थोड़ी मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट जो थोड़ी रियलिस्टिक हो ना, रियल बेस्ड स्टोरीज हो, वो मेरे को ज्यादा कनेक्ट करती हैं, तो मैं उस टाइप की मूवीज अच्छी मतलब मुझे पसंद है उन टाइप की मूवीज। ऑनेस्टली फूड यार जो मिल जाए अपन सब खा लेते हैं, सब बढ़िया लगता है अपने को। झूठ बोल रहा है ये, जो मिल जाए खा लेता हूँ। नखरे इतने हैं ना इसके। नहीं, जो मिल जाए मैं सब अच्छा, खा लेता हूँ। अच्छा, तो दो फेवरेट फूड कुछ तो बोलो। फेवरेट फूड राजमा चावल अच्छे लगते हैं मुझे, छोले भटूरे भी अच्छे लगते हैं, समोसे ऑल फेवरेट, और
इटालियन पिज्जा अच्छा लगता है वो तो मतलब ये है कि हम जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो ही कैन ईट इटालियन पिज्जा एवरी डे बाकी या ऑब्वियसली जो अच्छा बना हुआ वो सब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ना ट्राई करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ मैं जब भी किसी नई नई जगहों पे जाता हूँ तो मैं वहाँ के फूड्स जो है वो ट्राई करता हूँ तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट अच्छे चले जाते हैं तो कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं तो ऐसे ब्लेस 5600X उन्होंने बोला कीप अपलोडिंग ये तो मैं भी बोलती हूँ उसको प्लीज कीप अपलोडिंग प्लीज आई विल स्लॉटर गेमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो आपका कौन सा बिजनेस है मैं जैसे आपको बताया सिविल लाइन से हूँ तो मैं थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का टुकड़ू करता रहता हूँ रियल एस्टेट यू नो काइंड ऑफ रियल क्वेश्चन जो है एसबीबी क्रिएशन का जिन्होंने हमसे पूछा टेल मी अबाउट योर लव स्टोरी लव फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल लव स्टोरी जो हमारी है वो ऑलरेडी हमने लव स्टोरी पार्ट 1 डाल दिया हुआ है पार्ट 2 के लिए इतने टाइम से सारे बोल रहे थे मैं डालने वाला हूं गाइस सॉरी जैसे ये मेरे 300,000 क्रॉस हो जाएंगे देखो बेसिकली रीजन ये है डालने का मैं उसको टाइम देके आराम से मतलब होता ना कि दिल से बोलना चाहता हूँ आपके सामने जल्दबाजी में नहीं तो इसीलिए मैं टाइम ले रहा था उस चीज के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही मेरे ये 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे और वैसे भी मैं अब दूर नहीं हूँ उसके पास में ही हूँ पहुंच के इस बारी में डाल दूंगा पक्का प्रॉमिस है जब कंप्लीट होंगे तो पहली या दूसरी वीडियो लव स्टोरी ही होगी एंड SBPY आप हमारी प्लीज ये वाली वीडियो देख लेना लव स्टोरी 1 आपको हाँ। यहां से थोड़ा आईडिया हो जाएगा सो सहर बानो वेयर आर यू फ्रॉम RPG अभी तो मैं फिलहाल पहले दिल्ली था अभी फिलहाल हिमाचल में हूँ अभी मैं वहीं पे रुका हूँ उसके बाद चंडीगढ़ में थे हाँ उसके बाद उसके बीच में पहले मैं चंडीगढ़ भी था फिलहाल अभी राइट नाउ आई एम इन हिमाचल क्वेश्चन है यूजर SF6EO1K2S अर्पित प्लीज अर्पित भाई एंड पल्लवी दी फ्यूचर में आगे का प्लान बताओ सेकंड है कि सक्सेस बताओ और सबसे बड़ी चीज तुम दोनों का मैरिज रिलेटेड कितने मंथ्स हुआ है मैरिज वीडियो कब अपलोड होगा वी आर स्टिल वेटिंग फॉर योर वीडियो प्लीज टेक माय मैरिज वाला आप बताओ प्लीज तो हमारी शादी को हो गए हैं कुछ 1 साल एंड 4 महीने ये है कि हमारी शादी की वीडियो कब आएगी तो हमारी शादी की वीडियो आएगी कब आएगी अभी तक हमने खुद नहीं लिए खुद भी नहीं देखा बस हम इतने ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं इतना ज्यादा सो चीजें आगे पीछे बहुत कुछ चल रहा है हमें टाइम ही नहीं मिल रहा देखने का जाने का बट लेकिन हम देख के जितनी जल्दी हो सकता है मतलब कोशिश है कि 1 मिलियन पहुंचने के बाद वरना ऐसे डालने का फायदा नहीं है देखिएगा कोई है नहीं तो तभी पहले ही वेट कर रहे हैं कि 1 मिलियन हो जाए तो हम डालेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रही बात फ्यूचर गोल्स की तो भैया जी फ्यूचर प्लानिंग जो है फोकस ऑन योर गोल्स नॉट होल्स जो मैं मान के चलता हूँ अपने फ्यूचर पे फोकस करना है तो अपने गोल्स पे फोकस करो फ्यूचर पे फोकस करने के लिए आपको पहले अपने गोल्स को फोकस करना है कि आपकी क्या लाइफ में आपको क्या क्या करना है आगे और बाकी यार कल किसी ने नहीं देखा मुझे कल का नहीं पता कल क्या है कल है कि नहीं है तो अभी के लिए थैंकफुल टू गॉड कि उसने आज का दिन भी दिखाया हमारे पास छत है खाना है वही बहुत बड़ा है उसके अलावा जियो बढ़िया से जिंदगी एंजॉय करो एवरी डे इज न्यू डे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा YT हॉटस्पॉट से आप दोनों के फैमिली के मेंबर्स में कौन कौन है आई मीन कितने मेंबर हैं विद नेम्स एंड कभी सबको वीडियो में इंट्रोड्यूस नहीं करोगे क्या अभी एक्चुअली हम लोग ट्रैवल इतना करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता बट मेरी फैमिली में मैं हूँ मदर है फादर है भाई है भाभी है एंड बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं और इसकी फैमिली तो आपने देखी ही है क्योंकि वो साथ ही साथ ट्रैवल कर रही होती है मम्मी पापा भाई बहन चाचू चाची मामा मामा सारे हैं मेरी फैमिली में एंड हमारा बच्चा स्कूल आप लोगों का ब्लॉग हमेशा देखता हूँ बाकी क्वेश्चन मेरा है आप लोग क्या फैशन डिजाइनर है मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूँ बट लेकिन हाँ ये अपने डिजाइन करती है खुद क्लोथ्स और बाय प्रोफेशन आई एम नॉट फैशन डिजाइनर बट हाँ मेरा एक स्टूडियो था है ब्रांड है अभी भी बट वो कुछ टाइम के लिए क्लोज है कभी ओपन करूंगी प्लान है मेरा तो हाँ बट हाँ कपड़े डिजाइन में जो मतलब हमने अपने शादी के कपड़े भी आधे से ज्यादा खुद ही डिजाइन किए आधे से ज्यादा नहीं हमारे सब शादी के कपड़े हमने खुद ही डिजाइन किए थे True. सारे जब फोटोज वीडियोस आएंगे तो आप लोग देखना अगर आपको मेरे से कुछ डिजाइन करवाना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव सिंह राणा 178 अर्पित भाई इक्वल्स टू नेवर गिव अप नेवर गिव डाउन ना 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 नेवर गिव अप गिव डाउन अपना डायलॉग खुद ही भूल गए हां आयुष वाईटी भैया आपका डॉग का निकनेम क्या है प्लीज माई कमेंट कुछ please, भी बोल देते हैं हम प्यार से तो हमारे डॉग का नाम है विस्की और निकनेम है विस्कू कुकू पूचू लड्डू लाडू मैं बिकू बुलाता हूं ये वाले बिकू इधर आ बिकू मिस्टू पूचू क्यूटी
बेबी परू जितने ले लो बस, 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 बस बहुत नाम है उसके, एंडी नहीं है इसका, इन्फिनिटी। राजन रंजन दास 688 भाई आप कहाँ पर रहते हो? अभी फिलहाल हम लोग हिमाचल में हैं। लव यू भाई। मैडी रिटर्न्स 4496 आप एक दूसरे पे इतने प्रैंक्स करते हो तो समझ नहीं जाते हम हैं आप लोगों की प्रैंक हो रहा है, समझ जाते हैं तभी प्रैंक्स कमा रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि कई बार क्या होता है मेरे प्रैंक्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाते, फिर ये रीजन की वजह से वो फायदा नहीं रहता। तो हाँ, क्योंकि आपने इतने प्रैंक कर लिए होते हैं कि आपको पता लग जाता है कि क्या प्रैंक है और कौन सा प्रैंक नहीं है, इसीलिए वो फेल चले जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, फिर वो मैं डाल नहीं पाते, हो पाते और डाल नहीं पाता, एंड कई बार तो करने ही लगता है और पता चल जाता है शुरू में ही, तो वो फिर डालने का भी कोई फायदा नहीं। यही रीजन है कि हमारे प्रैंक्स कम आ रहे हैं, बट हमारे ब्लॉग्स आएंगे आप लोग वो भी देखो, वो भी उतने ही एंटरटेनिंग होंगे, आपको सारा प्रैंक वाला जो मजा है ना वो ब्लॉग्स में मिल जाएगा। संकेत ए ग्रेड IC9MH आफ्टर यूट्यूब योर जॉब एंड सैलरी। सी हम लोग तो अपना बिजनेस खुद ही रन करते हैं, सच रही बात जॉब तो मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में काम करता रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो बाकी सैलरी का ऐसे जो एक नॉर्मल सैलरी एक मिडिल क्लास की रहती है वही एक सैलरी है, दैट्स इट। House of Feeling 5352 new subscriber bro. Thank you bhai, thank you for House of Feeling new subscriber. Thank you bhai, thank you so much. Next question is Ananta YT 3756 why you stop uploading pranks? I am so addicted to your pranks. Please regular. Love you, love you, love you. Thank Korean you so love, much. Thank you so much. Thank you. जैसा कि मैंने पहले भी बोला इसलिए अपलोड नहीं हो पाते क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा प्रैंक्स आजकल फेल जा रहे हैं, ऑलरेडी इस पे इतने ज्यादा प्रैंक्स कर दिए हुए हैं कि इसको पता लग जाता है कि क्या करने वाला हूं मैं, तो दैट इज आई मीन दैट इज वन ऑफ द रीजन मेरे कुछ प्रैंक्स नहीं आ पा रहे, बट नेवर गिव अप, गिव डाउन, आई विल नॉट गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशुतोष कुमार गेमर अर्पित भाई तुम क्या काम करना करते हो प्लीज बताना। यही कंस्ट्रक्शन का ही काम है। ST Maker 77 अपने जब YouTube स्टार्ट किया तो आप किससे इंस्पायर हुए? YouTube जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इंस्पायर तो एज सच किसी से मतलब किसी से नहीं था। YouTube इसका मैंने स्टार्ट किया, वीडियो भी मैंने ही डाली, he was not at all interested in YouTube and बहुत पुश करना पड़ता है अभी भी YouTube को मेंटेन करने के लिए because बहुत मेहनत लगती है। हाँ exactly, बाकी तो बस चल ही रहा है। 5600X डॉगी ब्रीड एंड आपके थार के टायर कितने इंच के हैं? यार ये मुझे नहीं पता आप कितने इंच के हैं। हमने जो हम जब हमने गाड़ी ली थी जो उसके साथ टायर आए थे हमारे वही हैं, हमने कुछ चेंज वेंज कुछ मॉडिफिकेशन। जो डॉग ब्रीड है वो है शिज़ू। यूजर WX9QZ70G1Z जम्मू में कहाँ रहते हो? मैं अभी फिलहाल हिमाचल में हूँ और हिमाचल में मैं रह रहा हूँ धर्मशाला में। X9QZ70G1Z है। आपका बिजनेस क्या है? कंस्ट्रक्शन। ऑफिशियल WD1JQ आपने शादी लव मैरिज करी या अरेंज मैरिज? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। हमने लव मैरिज की है। भाग के शादी की भाग के नहीं, हमने लव मैरिज की है सबकी रजामंदी के साथ, खुशी के साथ। एग्जैक्टली। साइलेंट भाई एमएक्सडी आप दोनों का फर्स्ट लव कौन था और फर्स्ट किस किसको किया था? फर्स्ट लव यही था, फर्स्ट किसी से कोई करेगा मरवाएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा। झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सोनी गेमिंग 5803 सर आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी पिछले साल हुई थी। आदित्य कुमार मोहराना 21 आप लोग काम क्या करते हो? सबको कितना इंटरेस्ट है ना हम क्या काम कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन का काम। राज 669 ब्रो आपकी कितनी बीएफ गर्लफ्रेंड लिखना होगा, इसने बीएफ लिख दिया, क्या ही पसंद है वैसे इसको तो? नो कमेंट। आयुष चौहान 1643 आपने प्रैंक बंद क्यों कर दिया? बिकॉज मुझे पता चल जाता है ये वीडियो बनाता है एंड वीडियो कैंसिल हो जाती है, प्रैंक फेल हो जाता है, वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। True. आप ब्लॉग्स देखो गाइस प्लीज, बहुत एंटरटेनिंग ब्लॉग्स होने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा। शिवानी गेमिंग 3604 सेल थार एंड बाय न्यू इनोवा हाई क्रॉस
अभी पैसा नहीं है, अभी जब आएगा तब डेफिनेटली। एंड थार हमारी पहली गाड़ी है तो हम बेचेंगे तो नहीं, बट आपने सजेशन दिया है तो हम खरीद लेंगे, लेकिन जब पैसा होगा। रवि यादव 6230, आपको यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कौन बोला? मैं बोला इसको यूट्यूब बनाने के लिए, मैं बोला भी नहीं, बना दिया मैंने बस इसको। पहले वही जैसे बताया आपको, फेसबुक पे बनाता था मैं, तो यूट्यूब मैंने नहीं, किसी ने अकाउंट खोला था तो मैंने इसका बना दिया, एंड वहां से वो डाउनलोड कर करके यूट्यूब पे डालती रहती थी मैं। आयुष चौहान 1643, अर्पित तुम सिर्फ यूट्यूब करते हो? वॉट लगा दो मेरे नाम की ना, गज्जियां उड़ा दो मेरी। अर्पित तुम सिर्फ यूट्यूब करते हो या कुछ और भी करते हो? सिर्फ यूट्यूब, बाकी सब छोड़ दिया मैंने, सिर्फ यूट्यूब पे फोकस्ड और कुछ नहीं। आज से क्वेश्चन काफी लंबा है, ओशीन 7 का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइम व्यूअर, कब से ये हमारी वीडियोस देखते हैं? जैसे आपको पता ही होगा, ये सब पता है आपको, मेरे को जितने लोग, मैं उन लोगों को कभी नहीं बोलता जो मेरे साथ उस वक्त पे खड़े थे जब मैं कुछ नहीं हूँ और अभी भी कुछ नहीं हूँ, बट लेकिन ऑब्वियसली मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ता हूँ और हर किसी के कमेंट से इंस्पायर होता हूँ, एंड आई नो कि उस टाइम पे कौन कौन मुझे कमेंट्स करता था, तो आप लोगों को कभी बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई नो मैं सबको देख रहा हूँ, सबके कमेंट्स को देख रहा हूँ, और मैं सबसे दिल से यही चीज़ बोलता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज, आप लोगों की वजह से ही ये थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों की वजह से ही है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ क्वेश्चन पूछो। सबसे पहले टू पल्लवी, गर्ल प्रेफर पर्सनैलिटी, लुक्स या बोथ? लुक्स पर्सनैलिटी, आपने जो पर्सनैलिटी और लुक्स में से पूछा है तो मैं बाकी गर्ल्स का मैं नहीं बता सकती आपको, बिकॉज सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है। मैं जहाँ तक बताऊँ तो पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, इन टर्म्स ऑफ कि उसका कैसा नेचर है, वो कैसा आपके साथ बिहेव करता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। लुक्स मैं सेकेंड पर रखूँगी, तो प्रेफर इज़ लाइक कि लड़की की क्या पर्सनालिटी है। Exactly. तो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोनों से पूछा, व्हाट इज योर बिजनेस एंड हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन इट? हमारे बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे यूट्यूब पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो, हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज है। लव यू। थर्ड क्वेश्चन है, फ्यूचर के प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर के प्लान बाद में उठाएंगे, फ्यूचर। फ्यूचर के प्लान्स एज सच अभी हमने सच में नहीं सोचा कि क्या फ्यूचर के, एज आई सेड इट बिफोर, फोकस ऑन योर गोल्स नॉट होल्स। फोकस हमारा अभी प्रेजेंट पे ज्यादा चल रहा है, और हाँ ट्रैवल करेंगे फ्यूचर में, और बहुत ट्रैवल करेंगे, बस ये गोल है, अच्छे से एक मतलब अच्छी जिंदगी जी लें, वही पड़ा है। फोन बिजनेस ना, एक अच्छे से अच्छी जिंदगी जी लें, इससे अच्छा और कुछ नहीं है हमारे लिए, बस बाकी आप लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, हम इतने लकी हैं, ये भी बहुत है हमारे लिए। सो और कुछ बचा हमारे लिए आज? हो गया, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। वेट अ मिनट, भाई का कमेंट अभी रिसेंटली आया है, इंपॉर्टेंट था। अंकित शर्मा वो कह रहे हैं कि आप पल्लवी दीदी के लिए सीरियस कब हुए थे? वेरी नाइस क्वेश्चन। कभी भी नहीं, आई मीन सीरियसनेस इज ऑल अबाउट, नहीं नहीं मजाक नहीं है। मैं अगर आपको देखो रियलिटी के ऊपर बात करूं तो मैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आजमाया है कि जो वो बोलते हैं लव एट फर्स्ट राइट, वो मूवीज़ में ही अच्छा लगता है या बताते हैं, आप किसी के साथ सीरियस या आपको किसी के साथ रियल अटैचमेंट तब होती है जब आप उस बंदे को एक्चुअल में जानते हो कि वो इंसान कैसा है, और इट टेक्स टाइम। एक हो गया कि चलो आई लाइक यू, तो उसके बाद उसके साथ फिर आप, इट टेक सम टाइम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए। सीरियस एक सीरियस इंसान कैसे हो, वो वाली सीरियसनेस भी एक चीज है कि नहीं, तो वो नहीं समझेगी। चलो ठीक है सर, यही था गाइस, ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग से सीरियस था इसको लेके मेरा, तो ये था। और कोई सवाल तो नहीं बचा? शादी के बाद सीरियस हुआ थोड़ा वो जो हुआ। हाँ उससे पहले तो मैं ऐसी गुल्ली डंडे खेल रहा था। हाँ ये किया करेंगे हम लोग, ये सेशन हम किया करेंगे। एक और चीज जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक एंड तक, उनके लिए ये है कि अब से हम रोज वीडियोस बना रहे हैं, हमेशा से एवरी डे, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ रोज वीडियोस आने वाली है रोज, तो स्टे कनेक्टेड एंड जबरदस्त वीडियोस आएंगी, अब लिटरली जबरदस्त आने वाली है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस इट्स टाइम टू एंड दिस Q&A वीडियो, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। हमारे एक और चैनल है अर्पित एंड पल्लवी करके, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उसे जाके देखो, उस पर आपको डेली बेसिस शॉर्ट्स हमारी शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, हर दिन आती हैं, वो जाके देखो, सब्सक्राइब करो, हमें उसमें सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। और इसी तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दिखाओ, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी करो। लव यू ऑल,
Have a good day, guys. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.